Hello, everybody, welcome or welcome back to my channel. And today's look is this very beautiful glittery look on a smoky eye. It's a universal look, and everybody wants to learn to create this. Whenever I create this look, trust me, I get so many compliments. So, I thought of creating this with you today. अगर आपको ये लुक पसंद आए प्लीज़ मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो लाइक कर देना अगर पसंद आया हो शेयर कर देना शेयर तो वैसे आप लोग अभी क्या ही करोगे बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो बिना फर्दर ड्यू के लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल लुक तो जी सबसे पहले आपने टोन करना है अपने फेस को वॉशिंग के बाद टोनिंग बहुत ज़रूरी है सीटीएम दिन में सबको दो बारी करना चाहिए सीटीएम टी एम इज़ योर क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग के लिए पहले हम लगाएंगे ये वाटर जेल जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है फिनिश होने वाला है आई ऑर्डर इट अगैन बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है ये प्रोडक्ट एंड इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम लगाएंगे अपना फेशियल ऑयल और जेल्स बिल्कुल सिरम्स के जैसे होते हैं वो स्किन को डीप मॉइस्चराइज करते हैं सेम जैसे आप एलोवेरा जेल लगाते हैं वो स्किन को इतना सॉफ़्ट कर देता है क्योंकि वो अंदर तक मॉइस्चराइज़ करता है जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे या फेशियल ऑयल लगाएंगे वो सिर्फ़ आपकी स्किन के ऊपर बैठ के ऊपर की स्किन को सॉफ्ट करते हैं अंदर नहीं जाता ऑयल जो भी चीज़ वाटर बेस्ड होगी जैसे सिरम्स वाटर बेस्ड होते हैं इसीलिए वो जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेती है स्किन जितनी चीज़ थिक होगी वो उतनी आपकी जैसे वैसलिन हो गई या फेशियल ऑयल हो गए वो स्किन पे देर तक बैठी रहेगी क्योंकि आपकी स्किन उसे इतनी जल्दी अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती अब जी ये टाट का शेप टेप कंसीलर है मैं इसे लिड्स पे लगा लूँगी अपने लिड्स को आई शेडोज़ के लिए प्राइम करने के लिए इससे मेरी आई शेडोज़ के लिए एक ब्लैंक कैनवस क्रिएट होगा पिगमेंट्स आई शाडोज़ के बहुत ज़्यादा सुंदर आएंगे किसी भी वाइट चीज़ पे अगर आप कलर करेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा राधा दाना आप किसी ब्राउन पेपर या किसी पिगमेंटेड चीज़ पे आप कलर्स करने की कोशिश करेंगे तो पिगमेंट्स इतने क्लियर नहीं आएंगे सेम लॉजिक है आई मेकअप के साथ भी अब इसे सेट कर लेंगे क्योंकि वी डोंट वॉन्ट कि जो रिंकल्स होते हैं स्पेशली इंडियंस की आईज हुडेड होती हैं बीच में एक रिंकल पड़ता है वहाँ पर आई शेडो क्रीसिंग हो कंसीलर उसके अंदर बैठ जाइए हम नहीं चाहते अब ये जो नायका का काजल है इससे हम आ, अपनी जो नेचुरल लाइन है आपकी शेप की आईज की शेप है उसे आप लाइन कर लेंगे थोड़ा थिक लाइन करेंगे क्योंकि हमें इससे अपना स्मोकी आई का बेस क्रिएट करना है देख सकते हैं आप आपको विंग नहीं बनाना आपको इतना प्रिसाइज़ नहीं होना थिक सा लाइनर लगाना है अनइवन हो चलेगा प्रॉपर नहीं हो चलेगा नीट नहीं हो चलेगा बट मेक श्योर करें कि आप इसे अपनी क्रीज जो आपकी नेचुरल क्रीज है वहाँ तक ना लेके जाए आप जी कोई भी स्मजर ब्रश ब्रश ले लीजिए स्मजर ब्रश नहीं है तो आपकी आय जो ईयरबड होता है वो भी चलेगा इससे आपने काजल को स्मज कर लेना है स्मज का मतलब है अच्छे से ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल ग्रे ग्रे सा हो जाएगा जैसे आपको अभी दिख रहा है और ये जो नायका की पेंसिल है ये है बहुत अच्छी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है स्पेशली ये स्मोकी आई करने के लिए तो बहुत अच्छी है इसके बाद जी मैंने ये लाइट ऑरेंज सा शेड लिया है मॉर्फी की जेम्स चार्ल्स पैलेट में से और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ट्रांज़िशन की जगह अपने अभी तक मैंने क्रीज़ को बिल्ट नहीं करा है ट्रांज़िशन शेड अप्लाई करा है और जो बेस है हमारा ब्लैक काजल वो अप्लाई किया अभी तक ब्लैक आई भी नहीं अप्लाई करा अब ये जी मैं क्रीज बिल्ड कर रही हूँ जो कलर दिखाया अभी आपको उससे ट्रांजिशन के ऊपर उसे ट्रांजिशन और क्रीज को ब्लेंड कर रूंगी पहले मैं ब्लेंड कर रही थी ब्लैक के साथ ट्रांजिशन कलर को ट्रांजिशन कलर वो कलर होता है जो आपकी क्रीज और जो आपने लिड पे कलर अप्लाई किया है उसके बीच में जो कलर आता है दैट इज़ योर ट्रांजिशन कलर अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करने के बाद जी ब्लैक आई शेडो मैं लास्ट में अप्लाई करूँगी ये देखिए छोटे से ब्रश के साथ जब क्रीज ट्रांजिशन ब्लेंड हो गए तब मैंने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है और फिर उसको ट्रांजिशन के साथ ब्लेंड करा है अप्लाई करना है ब्लेंड करना है अप्लाई करना है ब्लेंड करना है क्योंकि ब्लेंडिंग प्रोसेस में आपका सबसे ज़्यादा लूज़ करेगा ब्लैक आई शेडो अपना पिगमेंट ठीक है जी तो इसके बाद हमने क्या करना है सिंपल सा है मैंने लिक्विड ग्लिटर लिया है अगर आपके पास नहीं हो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं सिल्वर कलर का एक ग्लिटर है ब्लैक के ऊपर बस आपने फ्लैट ब्रश से आपने लगा लेना है स्प्रेड कर लेना है और इसका जो लुक आता है वो इतना ब्यूटीफुल आता है और कोई इससे आपकी आइज़ का शेप मैटर नहीं करता ये यूनिवर्सल इसीलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में बोला था ये सब के साथ सूट करता है हर आई शेप को सूट करता है हर ओकेजन को सूट करता है हर आपके कपड़े को सूट करता है बी इट एथनिक बी इट फॉर्मल फॉर्मल्स तो नहीं ओबियसली कैजुअल्स सॉरी ठीक है एंड ये जी मैं लाइनर लगा रही हूँ ये लाइनर वही है जो मैग्नेटिक लैशेस के साथ आता है इसको आपने अपनी नेचुरल जैसे हमने पहले करा था अपनी नेचुरल लाइन पे शेप कर लेना है और उसको थोड़ी ड्राई होने देना है मैग्नेटिक लैशज़ आप एकदम से नहीं अप्लाई कर सकते उनको टाइम चाहिए होता है पाँच या दस मिनट का वो छोड़िए वो लैशेज़ मैंने ऑफलाइन अप्लाई कर ली हैं उसके बाद जो फाउंडेशन अप्लाई हो रही है फाउंडेशन कौन सी जी क्राइलॉन की डर्मा फाउंडेशन है फुल कवरेज फाउंडेशन है क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है एक्सेलेंट फॉर ड्राई स्किन पीपल उसमें लिक्विड भी आती है रेंज <coughs> बट आई प्रेफ़र दिस क्रीम वन बिकॉज़ इसकी फिनिश मुझे ज़्यादा बेटर लगती है और ब्लेंड करने के लिए जो स्पॉन्ज लेना है uh, वो है ये पूना ब्यूटी स्टोर का अमेज़ॉन पर मिलता है अभी आउट ऑफ स्टॉक है मैं खुद वेट कर रही हूँ इसका बैक इन स्टॉक आने के लिए जैसे ही आएगा आई ऑर्डर अभी के लिए मेरे स्पॉन्ज़ बहुत बुरी हालत में हैं रोज़ रोज़ में एक वीडियोज़ बना बना के उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है ठीक है जी सो तो इसको भी ब्लेंड कर लेंगे अपने कंसीलर को भी कंसीलर भी मेरा वो सेम ही है बस लाइटर शेड में मैं यूज़ करती हूँ <coughs> इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है चाहे आपका आई मेकअप हो चाहे फेस मेकअप हो ऑलवेज टेक गुड टाइम विद योर ब्लेंडिंग एंड बस ये बीच बीच में लास्ट मुझे पता नहीं क्यों इस दिन थोड़ी तंग सी कर रही थी Uh, but nonetheless the whole look was very beautiful i was very happy with what i created i really hope होप कि आपको भी अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना and yeah that's it uh, तो अभी जी मैं नायका का वो जो बेस हमने बनाया था काजल से वही मैं अपनी वाटरलाइन पे अप्लाई करा है इसके बाद जी ये मैक की बुलेट लिपस्टिक है इन द शेड निकी और इसे मैं अप्लाई करी हूँ अपने ब्लशर के जैसे आई अवॉइड यूजिंग पाउडर ब्लशर्स आई ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर बुलेट लिपस्टिक्स क्योंकि एक तो यूज़ नहीं होती दूसरी आम, बढ़िया लगती है मुझे ज़्यादा फिनिश इनकी अच्छी लगती है Iski baaji, that's the completed look. I really hope you like it. If you did, please subscribe to my channel. Comment down below. I'll be back very soon. But please comment kunna how did you like it? Thank you. Bye bye.